हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी कॉर्नर। मैं चंदन आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ एक छोटा सा प्यारा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है महान व्यक्ति एवं उनके मूल नाम, वास्तविक नाम या फिर रियल नेम भी कह सकते हैं। इन्हें हम ट्रिकी वैसे याद करने वाले हैं, और ये छोटा टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसमें मात्र 15 पॉइंट हैं। जो भी मैंने पॉइंट कलेक्ट किए हैं सभी के सभी पूछे जा चुके हैं, और इन्हीं पॉइंट से बार बार रिपीट किया जाता रहा है। आपसे आग्रह है दोस्त कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि मैं अपना ट्रिकी वे आप तक पहुंचा सकूं। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्त अपना सपोर्ट बनाए रखिए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको समय पे जल्द ही नोटिफिकेशन मिल सके न्यू वीडियो का। तो चलिए दोस्त, बिना देरी किए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट है महात्मा गांधी, और इनका मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इसमें जो आप करमचंद गांधी देख रहे हैं वो इनके पिता का नाम है। ये हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, और इनका नाम यानी मूल नाम हर किसी को ज्ञात है, इन्हें याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको बता दूं कि महात्मा गांधी में जो महात्मा शब्द देख रहे हैं यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया उपाधि है। अगले महान व्यक्ति का नाम है भगवान गौतम बुद्ध। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आपको ज्ञात हो इनका मूल नाम यानी वास्तविक नाम सिद्धार्थ है। यहाँ पे राहुल, सिद्धार्थ और महावीर का जो नाम है वर्धमान, इस नाम को लेकर के कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन किसका है, तो यहाँ पे ट्रिक आवश्यक हो जाता है। चलिए आपको बता दें कैसे याद रखा जाए। यहाँ पे गौतम में आपको शब्द दिख रहा होगा गौ, गौ यानी कि गाय। जब कोई भोला भाला इनोसेंट होता है तो हम यह कहते हैं कि वो बिल्कुल गाय जैसा सीधा है, गाय जैसा सीधा है। लड़की है तो ये कहते हैं कि वो गाय जैसी बिल्कुल सीधी है। तो गौ जैसी सीधा है यानी गौ जैसी सीधी है, जो कहें आप गौ से गौतम हो जाएगा, सिद्धा सिद्धि यानी सिद्धार्थ, बिल्कुल याद रहेगा, पक्का विश्वास है। अगले व्यक्ति हैं महावीर, जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। इनका वास्तविक नाम और बचपन का नाम समान था, जो कि है वर्धमान। आपको ज्ञात हो कि महावीर यानी कि हिंदू धर्म में हनुमान जी या बजरंगबली भी कहते हैं, जो कि एक बंदर थे। इधर यदि वर्धमान को हम पढ़े अर्धमान यानी कि आधा मनुष्य, तो बिल्कुल बंदर जो हैं वो आधा मनुष्य हैं, पूरा मनुष्य नहीं कह सकते हैं क्योंकि मनुष्यों के पूंछ नहीं होते हैं और बंदर के पूंछ होते हैं, थोड़ा सा अंतर फेस में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं महावीर, हनुमान जी, बजरंगबली जो थे बंदर थे, वो अर्धमान थे, अर्ध मनुष्य थे। याद रहने में बिल्कुल सहायक होगा, मुझे पक्का विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद, जिनका वास्तविक नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। याद रखने के लिए सिंपल सा आप क्या करें, यहाँ विवेकानंद में सिर्फ द में एक रॉ लगा दीजिए तो ये क्या हो जाए नंद्र, यानी कि कहीं ना कहीं नरेंद्र को याद दिलाएगा, विवेकानंद यानी नरेंद्र। ये आपके लिए हिंट है, क्योंकि ट्रिक तो ऐसा ही होता है, पूरा का पूरा नाम तो नहीं याद आएगा लेकिन आपको हिंट जरूर दे देगा कि इसका क्या होने वाला है। विवेकानंद नरेंद्र बिल्कुल आसान है, याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्ति हैं ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की थी, और आपको ज्ञात हो कि इनका वास्तविक नाम रत्नाकर है। इन्हें याद रखना है तो आप यहाँ ध्यान दें, वाल्मीकि में शब्द है वाल यानी कि दीवाल, और यहाँ पे जो शब्द है वो है रत्न यानी कि आभूषण। पुराने ज़माने में जो भी रत्न या आभूषण होते थे उन्हें कहाँ छुपाया जाता था, मिट्टी की दीवालों में, मिट्टी के वाल में। तो वाल देख करके आपको याद आएगा वाल्मीकि यानी कि दीवाल, और दीवार में रत्न छुपाते थे यानी कि रत्नाकर। ये हिंट आपको तुरंत ऑप्शन टिक करने पे मजबूर कर देगा, बिल्कुल याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्ति हैं बीरबल, जो कि अकबर के नवरत्न में से एक थे। इनका वास्तविक नाम महेश दास था। ऐसा क्या किया जाए कि बीरबल का नाम पढ़ते ही हमें महेश दास तुरंत याद आ जाए, चलिए देखा जाए। आपने बहुत सारी बीरबल अकबर की गाथाएँ सुनी होंगी, चुटकुले भी सुने होंगे। जब भी आप चुटकुले सुनते होंगे तो आप हंस पड़ते होंगे, और मैं भी सुनूं तो मैं भी हंस पड़ूंगा। यदि मैं हंस पड़ा तो यहाँ पे महेश का नाम याद आ जाएगा, जो कि महेश दास है। तो जाहिर सी बात है आपने क्या समझा, बीरबल अकबर की चुटकुला मैंने सुना और मैं हंस पड़ा, महेश दास, जो कि इनका वास्तविक नाम है, बिल्कुल याद आएगा बिना किसी दिक्कत के। अगले व्यक्ति हैं तानसेन, जो कि बीरबल की तरह ही अकबर के नवरत्न में से एक थे। इनका वास्तविक नाम था राम तनु पांडे। इन्हें याद रखना है तो कुछ यूँ समझ लीजिए कि तानसेन जो थे वो राम के भक्त थे, और राम का गीत गाने में इतना सुर लगाते थे और सुर को इतना तान देते थे
कि राम तनु नाम पड़ गया, राम तनु पांडे। यदि राम का नाम लेना, सुर लगाना, तान भी देना है तो कैसे लगाएंगे? कुछ इस तरह से, हे राम तनु पांडे हो गया। अगली व्यक्ति हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका और बचपन का नाम मनु था। वैसे तो हर किसी को याद होगा, फिर भी यदि आप ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम यहाँ पे लक्ष्मी दिख रहा होगा, लक्ष्मी यानी कह सकते हैं धन दौलत की बात हो रही है, और यहाँ पे मनी यानी कि पैसे की बात हो रही है, तो धन दौलत और यहाँ पे पैसा। तो याद दिलाने के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ट्रिक तो हिंट आपको याद दिलाता है, और हिंट के जरिए हम ऑप्शन तुरंत टिक कर पाते हैं, तो याद आएगा, पक्का विश्वास है। आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्ति हैं महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद। इनका वास्तविक नाम है धनपत राय। याद रखने के लिए हम प्रेमचंद को अलग अलग कर देते हैं, प्रेम और चंद, धनपत राय को भी अलग कर देते हैं, धन और पट। चलिए सबसे पहले हम चंद को और पट से कोलेट करते हैं। कहते हैं हम ये चीज़ हम पट से याद कर लेंगे, और ये भी कह सकते हैं कि ये जब जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं सबको हम चंद मिनटों में याद कर लेंगे। पट से याद कर लेंगे, चंद मिनटों में याद कर लेंगे, तो इनमें अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। तो कह सकते हैं कि चंद और पट दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम है। अब रह गया प्रेम की बात, तो हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को प्रेम का धनी होना चाहिए ना। तो बिल्कुल कोलेट हुआ, प्रेम का धनी धन, चंद मिनटों में यानी पट से करना, तो धन पट राय बिल्कुल याद आएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले महान व्यक्ति हैं बाबा आमटे। इनका वास्तविक नाम है मुरलीधर देवीदास आमटे। याद रखने के लिए यूँ समझ लीजिए कि बाबा के दोनों हाथ में, यानी कि एक हाथ में आम रखा हुआ है, दूसरे हाथ में मूली है, गाजर मूली, समझ रहे हैं आप ना। बाबा को आम खाना है, तो सामने एक व्यक्ति को उन्होंने कहा कि ये बच्चा, ये मूलीधर, मुझे आम खाना है। तो बाबा आम खाने लगे, मूलीधर नाम पड़ गया उनका, मूलीधर देवीदास आमटे। नेक्स्ट विनोबा भावे। इनका वास्तविक नाम विनायक नरहरि भावे। बहुत आसानी से याद होगा, यहाँ पे सबसे पहले विनायक याद कैसे आएगा? यहाँ पे विनो शब्द दे करके, विनोबा विनायक ये याद आएगा। और भावे शब्द यानी कि भाव तोल करने वाला, भाव किसी के भाव, तो यहाँ पे रहरी शब्द है। रहरी भोजपुरी में बोलते हैं दाल को, जो कि हिंदी में होते हैं रहर का दाल। तो यहाँ पे भाव तोल करने वाला बात है, जो कि आप सब दिखेगा कि अरे रहर वाला भाव तोल करना था, यही होगा, यानी कि बिल्कुल ये याद आएगा बिना किसी दिक्कत के। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बाबा रामदेव और तेनाली रामा के लिए। दोनों एक साथ इसलिए क्योंकि इनका जो रियल नेम है दोनों में सिमिलर कुछ वर्ड आपको दिख रहा होगा, रामा कृष्ण रामा कृष्ण। बाबा रामदेव तेनाली रामा, दोनों के नेम में भी कुछ कॉमन वर्ड है, राम रामा, समझ रहे हैं? तो ऐसा वर्ड दिखे तो तुरंत हम क्या समझेंगे कि राम कृष्ण, रामा है तो रामा कृष्ण, बाबा रामदेव राम कृष्ण, तेनाली रामा रामा कृष्ण, बिल्कुल हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट पॉइंट, पंडित बिरजू महाराज। और इनका वास्तविक नाम है ब्रिज मोहन मिश्रा। बहुत आसान से याद होगा, यहाँ पे है बिरजू और यहाँ पे लगा हुआ ब्रिज, बिरजू ब्रिज, कितना आसानी से एक जैसा लग रहा है, बिरजू ब्रिज, तो याद रहना बिल्कुल लाजमी है, तो ये भी क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, योगी आदित्यनाथ, जो कि एग्ज़ाम में आ चुका है, ये अभी हाल ही में आया था, तो सोचा मैंने इसको इंक्लूड कर देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का रियल नेम जो है अजय सिंह बिष्ट है। अजय सिंह थोड़ा सा नाम तो बहुत अच्छा सा आसान सा है, याद रह जाएगा, कन्फ्यूजन के लिए ऑप्शन जो डालता है वो विजय सिंह अजय सिंह संजय सिंह ऐसे डाल देगा। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, आदित्य जो है वो अ से शुरू है, इसलिए अ से अजय सिंह, क्लियर है? तो मैंने एक छोटा सा MCQ टेस्ट तैयार किया है, चलिए आंसर दिया जाए। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका नाम मूल नाम जो था धनपत रहा था, धन पट, पट से काम हो जाना, चंद मिनटों में काम हो जाना, प्रेम रतन धन पायो, तो प्रेम से प्रेम धन हो गया, और चंद यानी कि पट वाले बात मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या दो, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तानसेन
ये मैंने बताया था कि इतना तान देते थे राम भवन का नाम कि राम तानु नाम पड़ गया, राम तानु पांडे। आंसर हो गया बिना किसी दिक्कत के। अगला प्रश्न, निम्न में से महावीर के नाम से महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम मैंने बताया था, महावीर यानी बजरंगबली, हनुमान जी, हनुमान जी हैं तो बंदर हैं, बंदर हैं तो पूर्ण मानव तो नहीं है लेकिन मानव है, तो हम पूर्ण है तो अर्ध मानव मान लेते हैं, तो ये अर्धमान अर्धमान। प्रश्न क्या 4, जो कि मैंने बताया था एग्जाम में आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया। निम्नलिखित से योगी आदित्यनाथ का मूल नाम क्या है? आदित्य कुमार, विजय सिंह बीस, अजय सिंह बीस, संजय कुमार गोरखा, कुछ भी दे सकता है। तो सिमिलर नाम आप देखेंगे, लेकिन आपको याद रखना कि अ से आदित्य है तो अ से अजय सिंह बिष्ट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न, पंडित रामाकृष्ण किसके समकालीन थे? देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा बाबर। वैसे पंडित रामाकृष्ण जो है उनका जो पुकार का नाम है वो क्या था आपको याद होगा? तेनाली रामा, रामकृष्ण। इस तरह से ये पॉइंट जो है 15 पॉइंट आसान से थे, छोटे से टॉपिक थे, मैंने इनको कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत अच्छा जाए, इसके लिए ऑल दी बेस्ट।